आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि इफ द एरिया ऑफ द रीजन, ये हमारे पास क्या करा है, कोई एक रीजन है, इस रीजन से जो बाउंड, इस कर्व से जो बाउंडेड रीजन है उस रीजन का एरिया निकालने हैं। ठीक है, इसका एरिया ए के बराबर है, खैर दे भी रखा है। ठीक है, देन 12a हमारे पास, उसका ए निकाल के बाद 12 से मल्टीप्लाई भी करना है। चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या दे रखा है, तो y तो हमारे पास क्या दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y पॉजिटिव होनी चाहिए। मिनिमम ऑफ टू, तो यहाँ से अपने के पास y दे रखा है लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2x और कॉमा अपने के पास 6x और माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। हाँ या ना, ये आ गया अपने के पास, ये दो कर्व बनाने, इससे बाउंडेड रीजन हमें बताने हैं। चलिए हो जाइए शुरू। सबसे पहले अपने के पास ग्राफ बना लीजिए, क्योंकि ग्राफ से अपने के पास बात एकदम साफ हो जाती है। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास, ये आ गया वाई, हाँ या ना, और ये रहा हमारे पास, ये रहा y एक्सिस और ये रहा हमारे पास कौन, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने के पास क्या करें, तो ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले अपने के पास y इक्वल टू कौन सी लाइन है, 2x, 6 माइनस एक्स स्क्वायर वाली लाइन बनाएंगे। ये जो 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऑब्वियसली देखिए ये अपने के पास डाउनवर्ड पैराबोला बने, कैसा बनेगा, ये अपने के पास डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, ये हम नहीं बता रहे क्योंकि अपने के पास ये ग्राफ बता रहा है और कुछ नहीं। अबे सही जो बनाना था ये क्या, अपने के पास कैसा बनेगा, ये आ गया अपने के पास डाउनवर्ड, अबे ये सीधा बन गया अपने के पास डाउनवर्ड पैराबोला बने, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास कट कहाँ पे करेगा, ये अपने के पास डिपेंड करता है, एक तो जीरो पे कट करेगा, एक अपने, ठीक है, तो एक अपने के पास जीरो पे कट करेगा, एक अपने के पास कट किया, हमारे पास ये कर्व बन गया। अगर अपने के पास वाई इक्वल टू कौन सा है, 2x, वाई इक्वल टू 2x अपने के पास बनेगा कौन सा, तो वाई इक्वल टू 2x। अब बोले सर ऊपर से क्यों नहीं जाएगा, तो अपने पास देख लो, इसके वर्टेक्स से अपने पास नीचे ही से जाएगा, वर्टेक्स इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास कौन सी लाइन है, तो y इक्वल टू अपने पास 2x लाइन है, और ये जो कर्व है वो अपने पास कौन सा कर्व है, तो ये अपने के पास पहले अपने पास इस कर्व को क्या कर लो, छोटा कर लो, ताकि हमारे पास ये तो बनाने के लिए हम बता दिए थे इतना लंबा चौड़ा। ठीक है, इस कर्व को अपने के पास छोटा कर लो। ठीक है, ये आ गया अपने पास, इसके कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने पास बाउंडेड रीजन बताओ, बाउंडेड रीजन अपने पास कौन सा है, अभी से ये बाउंडेड रीजन ये है, इस रीजन का हमें एरिया बता दें, नहीं अभी ये देखना पड़ेगा ऊपर वाला या नीचे वाला बाउंडेड रीजन अपने पास y पॉजिटिव ये है, और ये अपने पास मिनिमम, अच्छा मिनिमम जाना है दया, इस बात का ख्याल रखिए, देख रहे हो यही गलती, ये अपने पास इसे कहते हैं क्या, सिली मिस्टेक, कौन सी मिस्टेक कहते हैं इसे, सिली मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास कौन से रीजन का, अरे तू ये आ जा, ठीक है, इस रीजन का हमें एरिया चाहिए, मिनिमम मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, और इधर अपने के पास ये वाला पार्ट, अभी हम बोल दिए थे ना ऊपर वाला, ऊपर वाला होगा नहीं दया। ठीक है, ये आ गया अपने पास इसके, अब अपने पास कौन से रीजन का, तो इस रीजन का हमें एरिया चाहिए और कुछ नहीं। अब अपने इस रीजन का एरिया निकलेगा, ठीक है, तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो अपने पास अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए तो हम ट्राइंगल बना करके निकाल लेंगे। ठीक है, कौन सा, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए तो इधर तो अपने पास एक राइट ट्राइंगल है और इधर हमारे पास क्या है, तो एक कर्व है, तो ये जो कर्व है, ये कर्व के बारे में बता सकते हो क्या, ये जो कर्व है वो अपने पास है 6x और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर, y इक्वल टू अपने पास क्या दे रखा, तो 6x और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर, और ये जो कर्व है ये अपने पास किस बराबर दे रखा, तो y इक्वल टू 2x के बराबर, हाँ है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए, तो ये आ गया अपने पास y इक्वल टू 2x, तो ये आ गया अपने पास 2x इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर x माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना, 6x माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, जैसे एक्स स्क्वायर आ जाएगा इधर, तो ये आ गया अपने पास बराबर 4x के बराबर, यानी x इक्वल टू आ जाएंगे 4 के बराबर, हाँ है ना, x इक्वल टू आ गया अपने पास 0 भी आएगा और 4 भी आएगा, 0 पे खैर ऐसे भी दिख रहा है ये कट कर रहा है, यानी ये अपने पास x इक्वल टू कौन सा आएगा 4 के बराबर, और ये अपने पास x इक्वल टू आ जाएंगे 6 के बराबर, ये जो पॉइंट है वो अपने पास 6 के बराबर हो जाएंगे, ये तो हमारे पास राइट ट्राइंगल आ गया, जैसे अपने पास 4 के बराबर, तो ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो ऊपर अपने पास क्या जाएंगे 4,8 के बराबर, हाँ है ना, तो इस पार्ट के एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, और इस पार्ट के एरिया को हम बी बोल रहे हैं, तो ए तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, बताइए ए इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास ए इक्वल टू आ गया अपने पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस अपने पास किस बराबर है 4 के बराबर, और हाइट अपने पास किस बराबर है बताइए, तो हाइट अपने पास यहाँ से किस बराबर हो जाएंगे, तो हाइट अपने पास ऑब्वियसली है कि 8 के बराबर, क्या अपने पास 2×8 यानी किस तरह जाएंगे 16 के बराबर, यानी ए इक्वल टू आ गया अपने पास हमारे पास 16 के बराबर। अब अपने पास बी के बारे में, बी अपने पास कैसे आएगा, तो बी इक्वल टू आ गया अपने के पास इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो 4 से लेकर के 6 तक। अब अपने पास ये राइट ट्राइंगल नहीं है इस बात का ख्याल, क्योंकि ये पैराबोला का कर्व है, ये तो अपने पास कर्व इस पार्ट इस तरीके का आएगा, अगर राइट ट्राइंगल रहता तो अपने पास हम निकाल देते यार। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बताइए, तो ये किसके आ जाएंगे 6x और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर, और ये रहा अपने के पास बी एक्स के बराबर, चलो हो जाए शुरू, ये आगे अपने के 6x2 और होल अपोन अपने के सर आ जाएंगे 6x2 और होल अपोन 2 के बराबर, और माइनस टाइम्स x³ होल अपोन 3 के बराबर, और लिमिट अपने के शिफ्ट करिए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट अपने के 6 के बराबर और लोअर लिमिट 4 के बराबर, यहाँ से अपने के सर थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या अपने के 2×3 6 के बराबर, और अपने के कटेगा तो नहीं, यहाँ से अपने के सर आ जाएंगे 3x²
और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स एक्स क्यू और होल अपॉन में 3 के बराबर। अब अपने पास लिमिट चिपकाने स्टार्ट कर लीजिए, तो लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट 6 के बराबर, ये आ गया 6 का 36, 36 और 36 को 3 से मल्टीप्लाई, या 3 इंटू किस तरह आ जाएंगे 36 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 216 और बट्टा अपने पास 3 के बराबर, हाँ है ना। और ये आ गया अपर लिमिट के बराबर, और माइनस टाइम्स लोअर लिमिट बताइए, लोअर लिमिट 4 चौका 16, तो 3 इंटू अपने पास आ जाएंगे 16 के बराबर, माइनस 4 चौका 16 चौका 4 और होल अपॉन में 3 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये आगे अपने पास 3 7 21 और 3 2 6 के बराबर, यानी आगे अपने पास 36 2 72, 72 अगर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से 72 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आगे अपने के पास, यहाँ से आगे अपने के पास 30, तो यहाँ से सॉल्व भी कर लेते हैं ना, 6 3 18 और 3 3 9 और 6 3 18 3 3 9 10 108 के बराबर, माइनस टाइम 72 माइनस टाइम्स, यहाँ से अपने के पास क्या करो, तो ये आगे अपने के पास 16 कॉमन ले लो, 16 जैसे कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 10 4 अपॉन 3 के बराबर, आया ना। बस अपने पास कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, 8 में से 2 जाएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 6 के बराबर, और 10 में से 3 जाएगा ये आ गया अपने के पास 3 के बराबर, हाँ है ना। और ये आ गया अपने के पास ये माइनस टेन्स अपने कैसे बताइए, तो ये आ गया अपने पास 16 और मल्टीप्लाई हो गया 3 3 9, 9 में से 4 जाएगा तो अपने पास 5 बट्टा 3 के बराबर ये हो जाएंगे, 3 3 9 में से 4 जाएगा 5 बट्टा, ये आ गया अपने पास 36 और माइनस टेन्स 16 5 80 और बट्टा अपने के पास 3 के बराबर है। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो ये आ गया अपने पास 3 6 3 18 3 3 9 10 108 और यहाँ से आ गया अपने पास बराबर, तो 8 के बराबर, और ये आ गया 28 और होल अपन में 3 के बराबर, यानी 28 बट्टा 3 यहाँ आ गया। फाइनल आंसर ए प्लस, यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, तो एफ एन एफ अपने कैसे आ जाएंगे, ए प्लस बी के बराबर, ए प्लस बी, ए हमारे पास किस बराबर आया था, तो ए हमारे पास आ गया था 16 के बराबर, तो ये आ गया अपने के पास 16 और प्लस टाइम्स बी हमारे पास किस बराबर गया, तो बी आ गया अपने के पास 28 बट्टा 3 के बराबर, 28 अपॉन 3 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने 16 3 48 ये आ गया 48 और प्लस टाइम्स 28 के बराबर और होल अपॉन में 3 के बराबर, हाँ है ना। तो 8 8 16 और ये आ गया अपने के पास 4 2 6 1 7 और बट्टा में अपने किसके आ जाएंगे 3 के बराबर, कोई इतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, हाँ है ना। ये सी को हमारे पास क्वेश्चन में ए बोल रखा है, लेकिन हमारे पास फाइनल आंसर ये भी नहीं होगा, ये अपने पास रिक्वायर्ड एरिया होगा, ये अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर नहीं है, ये हमारे पास कौन सा एरिया है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया है, ये कौन सा एरिया है, तो ये आ गया अपने के पास रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह हो जाएंगे, तो 12 ए के बराबर, यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 73 और बट्टा 3 के बराबर, ये आ गया अपने पास 3 चौका 12 के बराबर, यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो ये किस तरह आ जाएंगे, 6 चौका 24 के बराबर और 7 चौका 28 29 30, यानी 304 के बराबर हो जाएंगे, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, 304 इज द आवर करेक्ट आंसर। अब देखिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है 304, अच्छा इंटीजर टाइप से, तो हमारे पास जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास 304 के बराबर ही हो जाएंगे, यानी 12 ए इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, 304 इज द करेक्ट आंसर। ये थे अपने जेई मेंस के 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन आप कह सकते हैं। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।